अरे मैं मुख्यमंत्री था तो मैं कहता था कलेक्टर से बोनस मामा होता तो सोयाबीन के 500 देता, उड़दा पे 2400 देता, इनने तो गेहूँ की 160 उड़दा धान सब उड़दा गया, धान गया, मूंग गई 2000 से 1800 वो भी नहीं थी, वो भी गया। यहाँ चलने के लिए रोड नहीं है, विकास के काम भी ठप हुए, अपना ठप हो गई। और इसलिए मैं हम लोग यहाँ केवल ये करने नहीं आए कि बस 2 मिनट श्रद्धांजलि दे के चले जाए। बंस मणि जी, बंसपति जी की धर्म पत्नियां बैठी है, मेरी बहन तेरे एक एक आंसू का बदला लेंगे हम, न्याय दिलाएंगे सबको, उस लड़ाई को लड़ने हम आए। आज प्रारंभिक आंदोलन रीवा की धरती पर होगा और उसके बाद न्याय नहीं मिला तो हम तय करके रीवा जिले को कब जाम करेंगे पूरा का पूरा, उसकी तारीख भी तय करेंगे। मैं बंसपति साहू जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। और ये नोटिस जिन किसानों को मिले, भैया कर्जा नहीं भरना है और ना आत्महत्या करना है, जिंदा है मामा अभी, चिंता मत करना, मरूंगा तो मैं मरूंगा, तुम काय को मरोगे, नहीं अब ये नहीं होगा किसी भी कीमत पे, कोई पैसा नहीं देंगे, कर्जा माफ करवा के ही चैन की सांस लेंगे, बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं। और बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे कि नहीं आ रहे? अरे बताओ जोर से आ रहे कि नहीं? ये बिजली के बिल 29,771 रुपया, हम तो 200 रुपया लेते थे, आज बिजली के बिल भी इकट्ठे कर लो बहनों और भाइयों, इनमें भी आग लगा के होली जला देंगे और बिजली के बिल ऐसे नहीं देंगे बेईमानी भाई, बिल्कुल नहीं देंगे। और बिजली काटेंगे तो दादागिरी से जोड़ेंगे खम्भों पे चढ़ के हम लोग, चिंता मत करो नौजवान, लड़ाई होगी लड़ाई, बोलो सब साथ चलोगे, बोलो भारत माता की जय, बंसपति जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करके हम यही संकल्प लेते हैं कि इस अन्याय का बदला लेंगे, परिवार को न्याय दिलाएंगे, गरीबों को न्याय दिलाएंगे। अरे इनने तो कमल के 5,000 रुपया छीन लिए, जो मर जाता था कोई गरीब परिवार में मैं भिजवाता था, भाजपा भिजवाती थी, वो 5,000 रुपया तक छीन लिए, बच्चों की फीस छीन ली, गरीबों की सारी योजनाएं बंद कर दी, माता बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपए देते थे, वो छीन लिए। इस सब के लिए जंग लड़ी जाएगी, एक बार बंसपति जी के